एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे हम करने वाले हैं ड्राइंग लिसा फ्रॉम ब्लैक पिंक। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। और हाँ, मैं इस ड्राइंग पे कौन से मटेरियल्स और कैसे पेंसिल को शेड करते हैं ये सब मैं आज एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ये कोई चारकोल यूज़ नहीं किया है गाइस, क्योंकि ये पेंसिल है जो मैंने पेंसिल को ग्राइंड कर लिया था। जो अंदर का पार्ट होता है उसको मैंने ग्राइंड करके ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई चारकोल नहीं है, इसलिए मैंने यूज़ किया है पेंसिल या पेंसिल को ग्राइंड करके। सो मैंने अपना पेंट ब्रश लिया है और पेंट ब्रश से मैंने इसे धीरे धीरे ब्लेंड करना शुरू किया। और हाँ, आपके पास अगर मेकअप ब्रश हो तो आप मेकअप ब्रश से भी ऐसे ब्लेंड कर सकते हो। और हाँ गाइस, आप सबको अगर किसी भी ड्राइंग का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं लाऊंगी ट्यूटोरियल। और हाँ, एक और बात, आप कैसे आउटलाइन कर सकते हो वो सब भी मैं सिखाऊंगी। और ये जो मैंने आउटलाइन बनाया है लिसा का पहले, वो मैंने कोई ग्रेड मेथड कुछ भी मैंने ऐसा मतलब नहीं ट्राई किया है, मैंने अपना फ्री हैंड से ही बनाया है। तो व्हाट्सएप भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो मैंने पहले बनाया था तब मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया था, इसलिए मेरे पास नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो और इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। और एक बात, अगर कोई मुझे त्रिपुरा से देख रहा है तो स्पेशली उनको हम भाई पहले पहले नो जदि नरो आनी वीडियो ना थक सकते हो आगे सब्सक्राइब खरी थी तो होंगे नरो आनी वीडियो रो थी ना रो बोले नो काम का हम लोग ही मनाए जदि नरो का सपोर्ट खे के आगे आता वो वीडियो काम का हम तो ना ट्राई खे नहीं के अब ना। ओके, सो ड्राइंग पे फोकस करते हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने पहले पेंसिल से शेड किया, उसके बाद पेंट ब्रश से मैंने ब्लेंड किया। हाँ, देख सकते हो। सो मेरे पास कोई ब्लेंडिंग टूल नहीं है, इसलिए मैंने पेंट ब्रश यूज़ किया, क्योंकि पेंट ब्रश यूज़ करने से जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ होता है। और हाँ, इस ड्राइंग का नाम क्या है? वैसे हर ड्राइंग का हर अलग अलग नाम होते हैं, और इस ड्राइंग का नाम है हाइपर रियलिस्टिक। सो मुझसे तो इतना हाइपर रियलिस्टिक नहीं होगा जितना मैं ट्राई कर रही हूँ, बट आई विल ट्राई, मैं कोशिश तो करूँगी बहुत ही ज़्यादा कि इसको मैं हाइपर रियलिस्टिक बना सकूँ। सो एंजॉय द प्रोसेस। आगे की वीडियो मतलब आगे की डिटेल्स आगे बताऊँगी गाइस। Descriptive like an adjective, I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.
Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon. So to my hair, पे मैंने कैसे कैसे धीरे धीरे डिटेलिंग कर रही हूँ. जब आप फेस या कहीं पर भी अगर शेडो बनाते हो, तो जहाँ पर शेडो है, जहाँ पर भी आपके रेफरेंस में शेडो होगा, वहाँ पर ज़्यादा ही आप ड्राइंग पे ट्राई करो कि जहाँ पर शेडो है वहाँ पर ज़्यादा ही डार्क यूज़ करें. तो मैंने इसमें डार्क पेंसिल यूज़ नहीं किया है, डार्क कलर पेंसिल यूज़ किया है. जो कलर्स डोम्स कलर्स में मिलते हैं, मैंने वो ट्राई किया है ब्लैक के लिए. सो वहाँ पर मैंने ज़्यादा ही ब्लैक यूज़ किया है, जहाँ पर शेडो होते हैं. सो जहाँ पर लाइट है वहाँ पर इतना ज़्यादा भी आपको डार्क यूज़ नहीं करना है. तो आप देख सकते हो गाइस, जो ये मेरा ड्राइंग है, लग तो रहा है सेम टू सेम नहीं, पर थोड़ा तो बहुत लीसा पे जा रहा है. मैं बहुत एक्साइटेड थी उस वक्त जब मैं ड्राइंग बना रही थी, क्योंकि मुझसे बन रहा था हाइपर रियलिस्टिक. और ये मेरा फर्स्ट टाइम हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग था. मैंने इससे पहले अपनी लाइफ में हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं बनाया था, और ये लो गाइस मुझसे बन गया हाइपर रियलिस्टिक. कैसा लगा कमेंट में बताना, ये लीसा की तरह लग रहा है या लीसा की तरह नहीं है. कमेंट में बताओ गाइस, कैसा लगा ये ड्राइंग. खूब सारा, अगर अच्छा लगा तो खूब सारा प्यार देना मुझे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लव यू ऑल, बाय.